नमस्कार, sahitaagarwal.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम 10 मिनट में बनने वाला चावल के आटे का चीला बनाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी चावल के आटे की, सूजी की, बारीक कटी प्याज की, बारीक कटे टमाटर की, बारीक कटी शिमला मिर्च की, घिसी हुई गाजर की, फेटे हुए दही की, बारीक कटी हरी मिर्च की, नमक की, लाल मिर्च पाउडर की, गरम मसाला पाउडर की, रिफाइंड ऑयल की और बेकिंग सोडे की। सबसे पहले हम एक बाउल में चावल का आटा, सूजी, बारीक कटी प्याज, बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक कटे टमाटर, घिसी हुई गाजर, बारीक कटी हरी मिर्च, एक चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और फेटे हुए दही को डाल करके इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका थोड़ा पतला पेस्ट बनाएंगे। हमारी सभी चीजें अच्छे से मिल चुकी हैं। इसमें हमारा एक कटोरी पानी लगा है। अब हम सबसे लास्ट में इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट ना ज्यादा गाढ़ा है और ना ज्यादा पतला है। हमारा पेस्ट इसी तरीके का होना चाहिए। हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। हमारे पेस्ट को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक नॉनस्टिक तवे को गर्म करेंगे और इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। और थोड़ा सा पेस्ट लेकर के इसे पैन पर फैला देंगे। इसे हमें मीडियम गैस पर 1.5 से 2 मिनट तक इसी तरीके से सेकना है, जब तक कि इसके किनारे ड्राई ना होने लगे। अब हम इसके ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाएंगे। और इसे पलट देंगे और इसे दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से 2-3 मिनट तक सेक लेंगे। अब हम इसे दोबारा से पलटेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा चावल के आटे का चीला अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी बचे हुए पेस्ट के चीले बना लेंगे। लीजिए, हमारा चावल के आटे का चीला तैयार है। यह आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।